अब आपको सीधे ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। इतने अधिकारी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम कोविड-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है उसमें सफलता पा सके। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं, कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है, ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है, प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR प्लीज। हमने आज तक 4,49,810 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। उन 35,000 और सैंपल्स में 29,776 सैंपल्स, ये 201 अभी लैबोरेटरीज हैं ICMR नेटवर्क में, उनमें से हुए 6,076, ये 86 प्राइवेट लैब्स में से हुए। आज थोड़ा दूसरी चीज के बारे में सब लोगों को बोलूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन ELISA है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को, अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें,
दो दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल दो दिन ना करें, और अगले दो दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज। चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने हमें एचआर को कैसे हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इन कंटिन्यूएशन, अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कन्फर्म केसेज आए हैं, विच टेक्स आर कन्फर्म केसेज टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि तीन डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो चार नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए, और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए बाद में वो पॉजिटिव पाए गए, इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपरली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे, और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर जरूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिस जिस के कॉन्टैक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसी सिचुएशन में किसी पेशेंट के साथ साथ कोई हेल्थ केयर वर्कर भी अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको रोस्टर से हटाते हुए उसके कॉन्टैक्ट्स को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए और उसको प्रॉपर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इन अस्पतालों में ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बना रहना जरूरी है, तो जिसके तहत इन अस्पतालों में एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, उसी हिसाब से स्टाफ का रोस्टर बनाना चाहिए। साथ ही जिस अस्पताल में इस टाइप के पॉजिटिव केसेज आए वहां पर किस टाइप की क्लस्टरिंग ऑफ केसेज नोट की गई, या किस लेवल तक ये हॉस्पिटल इन्फेक्ट हुआ, या किस टाइप के पेशेंट वह हॉस्पिटल ट्रीट करता है कि सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसके आधार पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज निर्णय लें और एडिक्वेट डिसइन्फेक्शन के बाद वह अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो वह पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर कि वह पॉजिटिव केस आए हैं उसको टेम्परेली क्लोज किया जा सकता है। साथ ही इन केस की अगर वहां पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है या ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस फैसिलिटी को कोविड हेल्थ फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित कर उस पर कोविड से रिलेटेड केसेस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही इन अस्पतालों में सभी कर्मचारियों की डेली स्क्रीनिंग की जाए और हॉस्पिटल के इमरजेंसी और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स की ट्रायजिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी हो।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और कहा है कि वह ब्लड बैंकों में ब्लड की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, विशेष रूप से ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जिसमें कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उन सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए। ऑनलाइन ई पोर्टल, जो हमारा ई रक्तकोश एक पोर्टल है, उसके माध्यम से हर ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की करंट अवेलेबिलिटी का रियल टाइम स्टेटस मॉनिटर किया जाए। साथ ही इंडियन रेडक्रॉस ने इसी संबंध में एक 24/7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसेज के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसके फोन नंबर्स हैं 011-233-59379, दूसरा नंबर है 93-199-82104, एक और नंबर है 93-199-82105। इस फोन नंबर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करते हुए वह सर्विसेज हम ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और फ्रंटियर पर हमारा एक विस्तृत रूप में कार्य चल रहा है, काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट्स के मोर्टैलिटी को कम करने के लिए ड्रग की एफिकेसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, जिसके साथ साथ क्रिटिकली इल जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनमें एक ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उनके साइटोकाइन प्रोफाइल में मैसिव चेंजेस लेके आता है। इस ड्रग के द्वारा टेस्टिंग बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यह पाया गया है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म इनहिबिट होता है और मॉर्टैलिटी इन कोविड 19 केसेस और उसकी रिकवरी कम होती है और उसकी रिकवरी बेटर होती है। कोविड 19 और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से सफरिंग पेशेंट्स की इस क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटी को नोट करते हुए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह ट्रायल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स और वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए कोविड 19 कॉन्सोर्शियम पर एप्लीकेशंस को इन्वाइट किया। ऐसे 500 प्रपोजल आए जिनमें प्रिलिमिनरी स्टेज में 16 को फंडिंग सपोर्ट के लिए रिकमेंड भी किया गया है। इस मल्टीफेसिलिटेड अप्रोच के तहत नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर वैक्सीन कैंडिडेट्स जो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट में हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स और साथ ही नोवल वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं उनको रीपर्पज करने के लिए फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। कोविड 19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। वैक्सीन कैंडिडेट्स जो यूटिलाइज करेंगे इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर, फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन, उन पर काम हो रहा है। मॉलिक्यूलर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के देश में प्रोडक्शन के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हम सबको अवगत है कि जो हमारी ये कोविड के खिलाफ लड़ाई है यह मल्टी फ्रंट पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रंट्स पर काम करते हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें एक फ्रंट है सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम अवॉइड करें, दूसरी तरफ कंटेनमेंट एफर्ट्स पर काम करें, तीसरी तरफ साइंस के फ्रंटियर पर काम करते हुए एक कंबाइंड इंटरवेंशन के रूप में हमें इस लड़ाई को जीतना है। धन्यवाद।